उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन हुकूमत ने ऑनलाइन न्यूज एक्ट पर गूगल के साथ मुहायदा कर लिया। मुहायदा ऑनलाइन न्यूज एक्ट के कवानीन के नाफिज होने से 3 हफ्ते पहले हुआ है। गूगल कंपनियों को $100 मिलियन की हद में सालाना अदायगी करेगा। कैनेडियन बहरिया नाजुक हालत में, तैयारी के वादे पूरे करने में नाकाम हो सकती है। वाइस एडमिरल का कहना है कि फोर्स अगले साल और उसके बाद अपनी तैयारी के वादों को पूरा नहीं कर सकती। मगरबी साहिल का बहरी बेड़ा मुश्किलात का शिकार है। अमरीका के साबिक वजीर खारजा हेनरी किसिंजर 100 साल की उम्र में चल बसे। हेनरी किसिंजर अमरीका में सदर रिचर्ड निक्सन के दौर में मुशीर कौमी सलामती और वजीर खारजा रहे। हेनरी किसिंजर की अमरीकी खारजा पॉलिसी की ताकत का मरकज तस्वुर किया जाता था। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Google aur wifaqi hukumat online news act par apne tanaze mein ek muhayde par pahunch gaye, jiske tahat Google Canadian khabron ko online share karna jari rakhega. Mazeed ahwal is report mein. गूगल और वफाकी हुकूमत ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट पर अपने तनाज़े में एक माहदे पर पहुंच गए हैं, जिसके तहत गूगल कैनेडियन खबरों को ऑनलाइन शेयर करना जारी रखेगा। इसके बदले में कंपनी न्यूज़ कंपनियों को $100 मिलियन की हद में सालाना अदायगी करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एक माहदा तय पा गया है। सकाफती वर्से की वजीर ने इस खबर की तस्दीक की। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स के बाहर सहाफ़ियों को बताया कि बहुत से लोगों को शक था कि हम कामयाब होंगे, लेकिन मुझे यकीन था कि हम गूगल के खदशात को दूर करने का कोई रास्ता तलाश कर लेंगे। मुज़ाकरात से वाकिफ एक सरकारी जरिए ने बताया कि वफाकी हुकूमत और गूगल ने इस हफ्ते के शुरू में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक किया। वफाकी हुकूमत ने इस साल के शुरू में अंदाजा लगाया था कि गूगल का मुआवजा तकरीबन $172 मिलियन होना चाहिए। गूगल ने इसकी कीमत का तखमीना $100 मिलियन लगाया है। माली मुतालबात के साथ साथ गूगल ने इन खदशात का इजहार किया था, जिसे तर्जुमान शी प्रीडी ने ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट के साथ तनकीदी साख्ती मसाइल करार दिया था, जिसे बिल C-18 भी कहा जाता है। कंपनी ने कहा कि इसके पास कनाडा की मीडिया तंजीमों के साथ बातचीत के लिए इस पर कोई लाजमी गुफ्तगुशनीद का मॉडल नाफिज नहीं होगा। राब्ते के एक नुक्ते से निमटने को तरजीह दी जाएगी। नए जवाबित गूगल को एक ग्रुप के साथ बातचीत करने की इजाज़त देंगे, जो तमाम मीडिया की नुमाइंदगी करेगा और कंपनी को अपने सालिसी के खतरे को महदूद करने की इजाज़त देगी। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि यह माहदा बहुत अच्छी खबर है। महीनों के मजबूत इनकाद के बाद मकामी सहाफत से हमारी वाबस्तगी का मुजाहरा करने के मजबूत आज़ाद सहाफ़ियों को उनके काम के लिए मुआवजा मिलता है। गूगल ने मकामी सहाफत समेत सहाफ़ियों के मुनासिब तरीके से हिमायत करने पर इत्तेफाक किया है। रॉयल कैनेडियन नेवी के कमांडर ने एक नई वीडियो जारी की है, जिसमें मुतनबा किया गया है कि फोर्स एक नाजुक हालत में है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। रॉयल कैनेडियन नेवी के कमांडर ने एक नई वीडियो जारी की है, जिसमें मुतनबा किया गया है कि फोर्स एक नाजुक हालत में है, जिसमें ऐसे बहरी जहाज हैं जो उनके लाइफ साइकिल से बाहर हैं और उन्हें चलाने के लिए मलाहों की शदीद कमी है। बहरिया के यूट्यूब पेज पर पोस्ट की गई एक वीडियो में वाइस एडमिरल इंग्स टोप्सी ने कहा कि फोर्स अगले साल और उसके बाद अपनी तैयारी के वादों को पूरा नहीं कर सकती। हालांकि उसने अपने बहुत रोशन मुस्तकबिल के बारे में पुरउम्मीद लहजे में हमला करने की कोशिश की। तोपशी ने वीडियो में कहा, तारीखी तौर पर हमने हर चैलेंज का मुकाबला किया है, लिहाजा मुझे यकीन है कि हम इससे गुजरने का रास्ता तलाश कर लेंगे। ये वीडियो गुज़िश्ता हफ्ते दिफाई क़यादत के एक सिंपोजियम में चलाई गई थी, जहाँ तोपशी ने ज़ाती तौर पर खिताब भी किया। महकमा दिफा ने एक बयान में कहा कि इसका मकसद तरजीहात को उजागर करना था
जबकि रॉयल कैनेडियन नेवी की हालत का एक मुनसिफाना और दयानतदाराना अंदाजा लगाना था। वीडियो में बहरिया के पेशों और उनके अमले के मौजूदा सतहों का एक चार्ट शामिल है, जिससे ये जाहिर होता है कि बहुत से किरदारों में असामी की शरह 20% से जायद है। तोपशी ने कहा कि इसकी वजह यह है कि कैनेडा की मुसल्ह अफवाज की 10 साल से जायद अरसे भर्ती विंग से अपने अहदाफ को पूरा करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि फिजाइया और फौज एक जैसे हालात से दो चार हैं। तोपशी ने कहा मगरबी साहिल का बहरी बेड़ा मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि जहाजों को बरकरार रखने और चलाने के लिए अहल अफराद की कमी है, जिसकी वजह से बहरिया अपने हेलीफैक्स क्लास को तरजीह देने पर मजबूर है और टैग की कमी का मतलब है नए आर्कटिक और ऑफशोर गश्ती जहाजों में से सिर्फ एक एक वक्त में इस्तेमाल में आ सकता है, हालांकि चार तैयार हैं। उन्होंने कहा कौमी जहाज साजी की हिकमत अमली के तहत बनने वाले जहाजों को मुकम्मल तौर पर अमले के लिए तैयार करना एक चैलेंज होगा। तोपशी ने कहा रॉयल कैनेडियन बहरिया के लिए सबसे ज्यादा तरजीह मल्लाहों को पेशावराना फंक्शनल पॉइंट की तरफ रागिब करना, भर्ती करना और तरबियत देना है, ताकि हमारी तरबियत याफ्ता मौसर ताकत को उसकी मौजूदा सतह पर बरकरार रखा जा सके। तोपशी ने मजीद कहा कि बहरिया इस साल इस हदफ तक नहीं पहुँच सकती और ऐसा नहीं करेगी। अमरीका के नोबल इनाम याफ्ता साबिक वजीर खारजा हेनरी किसिंजर मुख्तसर अलालत के बाद 100 साल की उम्र में जहान फानी से कूच कर गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीका के नोबल इनाम याफ्ता साबिक वजीर खारजा हेनरी किसिंजर मुख्तलिफ अलालत के बाद 100 साल की उम्र में जहान फानी से कूच कर गए। 27 मई 1923 में पैदा होने वाले हेनरी किसिंजर का शुमार अमरीका के लाइको फाइक और नहायत काबिल एहतराम सिफारतकारों में होता है। कई किताबें लिखी, अमरीकी खारजा पॉलिसी की सिंध का तायुन किया और कई बुनियादी तब्दीलियां की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी करने वाले हेनरी किसिंजर का इंतकाल रियासत केंटकी किट में उनके घर में हुआ और 100 साल उम्र होने के बावजूद वो अपनी वफात तक मुतहरिक जिंदगी गुजारते रहे। कोई हुकूमती ओहदा ना होने के बावजूद वो व्हाइट हाउस की मीटिंग में शिरकत करते रहे और रमा बरस ही हेनरी किसिंजर ने चीन का दौरा किया था और सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। चीन में उन्हें सरकारी मेहमान की हैसियत दी गई थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो दर्स व तदरीस में मशगूल हो गए और बाद अज़ा January 1969 में सदर रिचर्ड निक्सन के दौर में 6 साल तक मुशीर कौमी सलामती का अहम अहदा संभाला। रिचर्ड निक्सन के दौरे हुकूमत में ही 1973 में उन्हें कौमी सलामती के मुशीर से तरक्की देकर वजीर खारजा बना दिया गया और अगले 4 बरस तक ये अहम जिम्मेदारी अहसन तरीके से अदा करते रहे। हेनरी किसिंजर मुतनाजा भी रहे, ताहम मजमुई तौर पर उन्होंने दुनिया से अमरीका के सिफारती ताल्लुकात में अनमिट नकूश छोड़े, जिसके नक्शे कदम पर अमरीकी खारजा पॉलिसी आज भी खड़ी है। अपने दौर में हेनरी किसिंजर ने रूस से हथियारों का मुहिदा, चीन से ताल्लुकात, इसराइल अरब ममालिक मुहिदा और वियतनाम जंग से शिकस्त खुर्दा अमरीका को निकालने में कलीदी किरदार अदा किया। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।